हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग। यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ किचन के मेरे लगभग सारे काम हो चुके हैं। मैंने बर्तन साफ़ कर लिया है, सारा किचन साफ़ कर लिया है और अशुंशु भी सो रहे हैं। यहाँ हमारा चाय बन रहा है और एक तरफ पानी गर्म हो रहा है। तो अब मैं जा रही थी अशुंशु को जगाने के लिए, उससे पहले उनका पानी बना के मतलब तैयार करके रख देती हूँ गर्म करके। अभी जब से ये कोरोना वायरस चल रहा है ना, तब तब से हम लोग सबको ही गर्म पानी ही सुबह सुबह लेते हैं। वैसे हम लोग तो पहले ही पीते थे हम दोनों, बट अशुंशु को भी अभी पिलाने लग गए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस वायरस से बचने के लिए थोड़ा बहुत तो अपने आप को केयर करना पड़ेगा घर के अंदर ही। तो यहाँ उनका पानी बना के रखते हैं और चलते हैं अशुंशु से मिलने के लिए। उनके नए रूप को देखिए, वो कैसे लग रहे हैं और नया रूप क्या है, या वीडियो में आगे देखिए तो पता चल जाएगा। तो जब तक चाय उबल रहा है, तब तक चलिए अशुंशु से मिल के आते हैं। और ये रहे मेरे टक्कू मक्कू बेबी, एक टक्कू इधर और एक टक्कू इधर। मॉर्निंग आशु, अंशु गुड मॉर्निंग। अब बाहर में तो बहुत सारा आवाज़ हो रहा है गाड़ी का, बालकनी में बैठना। और ये देखो आशु, बहुत सारे फ्रेंड्स बोलेंगे आशु के हेयर कहाँ गए, आशु कहाँ गए। और भगवान जी ने ले लिया क्यों दिया अपने हेयर इतने सुंदर सुंदर वाले। मम्मा ने टक्कू करा दिया। बोर हो रहे हो कि नहीं आशु? तो बहुत इंजॉय। आशु बोर हो रही है कि नहीं? आशु बोर हो रही है? मैं तो थोड़ा 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 थोड़ा। आशु के तो इतने ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। अंशु पानी पियो जल्दी। तो बहुत गर्मी हो रही थी फ्रेंड्स, और आशु के बाल भी बहुत पतले थे, तो मैंने आशु को टक्कू करा दिया। और अंशु तो आशु के वजह से टक्कू हुआ, अंशु के बाल में कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सिर्फ आशु टक्कू होती तो अंशु दिन रात उसको चिढ़ाता रहता, बोलता रहता बोलता रहता, इसलिए मैंने अंशु को भी टक्कू करा दिया। अच्छा, दो तीन दिन में बाल आ जाएंगे क्या? तो बाल नहीं आएंगे, जब बाल आएंगे तब आंसू फिर से टक्कू होंगे, और जब आंसू फिर से टक्कू होंगे तब मैं आंसू करूंगी। मुझे सपना आया था कि उनके बाल आ गए और आंसू के टक कर लिया मम्मा। चलो फटाफट पानी पी लो भैया, और आप लोग रेडी हो जाओ नहा वहा के। आपके क्लासेस है ना अभी? आज तो बहुत मज़ा आने वाला है आशु को क्लास में। आज आशु अंशु का लास्ट क्लास है, लास्ट ऑनलाइन क्लास, और आज है इनका फन एक्टिविटी। उसमें मैम फ़न करवाएगी आपको, एक्टिविटीज कराएगी अच्छे अच्छे वाले। और आशु अंशु का आज फायरलेस कुकिंग भी है ऑनलाइन, है ना? तो आशु अंशु को तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, हाँ जल्दी से पानी पूरा फिनिश कर लेना, ओके। तो यहाँ मैं फिर से किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स, और ये मैं क्या कर रही हूँ, कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ कोई ब्रेकफास्ट नहीं बन रहा, ये मैं तैयारी कर रही हूँ अपने हेयर केयर के लिए। या दोस्तों, हम जैसे हाउसवाइफ का या फिर जो लेडीज़ होते हैं जो कि दिन भर घर के काम में बच्चों के काम में बिजी रहते हैं, उनको भी ज़रूरी होता है कि वो अपना हेयर केयर करे, स्किन केयर करे, कभी कभी तो करना ही चाहिए। तो मैं बाकी के काम शुरू करने से पहले ये जो है मास्क मैं बना रही हूँ अपने बालों के लिए, इसको लगा के और फिर मैं सारे काम करूँगी। तब तक ये भी सेट हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एलोवेरा ले लिया, फ्रेश मेरे यहाँ मिल जाता है, हमारे बिल्डिंग में है, तो मैंने वहाँ से ले लिया। अब इसमें मैं आधा केला डालूंगी मतलब बनाना, और दो मैं यहाँ पे विटामिन ए के कैप्सूल डाल रही हूँ। मेरे हेयर फॉल थोड़े हो रहे हैं, तो इससे भी किसी के पास अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं तो वो मुझे दे सकते हैं। मैं थोड़ी सी परेशान हूँ अपने हेयर फॉल से, तो मैं ये कर मतलब स्टार्ट करी हूँ, मैं पहले नहीं करती थी, ये मैं सेकंड टाइम लगा रही हूँ। तो फिर देखती हूँ कि कैसा रिजल्ट होता है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच दही डालूँगी और इन सबको ब्लेंड करके एक बॉटल में भर के और इसको मैं अपने बालों पे अप्लाई कर लूँगी। तो इसको ऐसे लगाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी लिक्विडी होता है। तो इस तरह का बॉटल होना, जैसे रोज़ वाटर होता है या फिर कोई लोशंस वगैरह के, जिसके इस तरह के नोजल्स होते हैं और बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं और बालों में लग जाते हैं। तो मैं इसको ऊपर से जो उसकी ढक्कन है ना उसको लगा दूंगी, और फिर उससे थोड़ा थोड़ा बहुत ही इजीली निकलता है और पूरे बालों में लग जाता है। ब्रश की झंझट नहीं है, ना हाथों को गंदा करना है, ना ब्रश गंदा करना है, कुछ नहीं। और फिर बाकी काम मैं करूँगी। तो मैंने बालों में अप्लाई कर लिया था, और फिर मैंने झाड़ू पोछा, घर के जो भी काम है, जैसे अभी लॉकडाउन में सारी जो हाउस हेल्पर हैं वो अपने घर पे रेस्ट कर रही हैं और हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, तो वो सारे काम मैंने कर लिए। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। जैसा कि हस्बैंड जी का ऑफिस होता है
तो उनके लिए मैंने यहाँ पे आटा गूंद के रख लिया, क्योंकि वो लंच लेके जाते हैं तो वो उनके लिए रोटी या पराठा बनेगा। और मैं यहाँ नाश्ते के लिए पोहे बना रही थी और यहाँ सब्जी भी बन गई है, तो मैंने यहाँ पे आलू और वो जो चावला होता है ना, वो पता नहीं और जगह क्या बोलते होंगे, फिर यहाँ लंच की भी मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि आज शुंशु के क्लास शुरू हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दाल लौकी बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने कुकर में रख दिया। अब उसमें पानी हल्दी नमक डाल के मैं उसको कुक कर लूँगी। तड़का मैं बाद में लगाती हूँ, जब खाने का टाइम होता है ना तब फिर से दाल को गर्म करके तड़का लगा लेती हूँ। और जितना हो सकता है मैं सुबह 3 से 4 घंटे में सारे काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार उनके साथ क्लास में बैठ जाओ ना फिर कुछ काम नहीं हो पाता। तो शुंशु भी नहा रेडी है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये लोग रामायण वाले लव कुश लग रहे हैं, लेकिन उनके बाल तो थे वो जो उसी समय वो जो पढ़ते थे ना गुरुकुल में और सबको टकलू, लेकिन उनका लंबा पीछे वो हो जाता था छोटी, इनका नहीं है चुटिया चुटिया नहीं है आशुंशु का मॉडर्न गुरुकुल में पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म में भी बैठे हैं चलो फटाफट फिनिश करो फटाफट, तो बहुत मजा आएगा। जल्दी खाओगे तो मैं देखो टाइम हो गया है। और आशुंशु यहाँ रेडी है ऑनलाइन क्लास के लिए। आज इनका ब्लिस कुकिंग होगा और उसमें बिस्किट टॉपिंग आइडियाज आशुंशु को मैम देगी, तो उसके लिए ये चीज़ रखना था। तो ये तैयार है, यहाँ लैपटॉप भी तैयार है और ये फन एक्टिविटी होगा। इसके लिए स्केच पेन पेपर और फेविकॉल चाहिए था, वो भी रेडी है। तो और 5 मिनट्स के बाद आशुंशु का क्लास रेडी होगा 10:30 से, और अभी 10:25 हो रहा है। ठीक है, आर यू एक्साइटेड? आशुंशु कैसे लग रहे हैं टक्कू टक्कू में कमेंट में ज़रूर बताना। और आशु बाल में अच्छी लग रही थी कि टक्कू में? मुझे तो टक्कू अच्छी लग रही है, बाल में अच्छे लग रहे थे। यहाँ से शुरू हो गया फ्रेंड्स आशुंशु का बिस्किट टॉपिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्किट में इनको जैम लगाना था, और जो कि बहुत ही मन से आशुंशु दोनों कर रहे थे। ये काम इनका फेवरेट वर्क है, मतलब हॉबी कहेंगे, इनको कुकिंग बहुत पसंद है। ये किचन में ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मम्मा मुझे कुछ काम बता दो, कुछ हेल्प करवा लो। मतलब लॉकडाउन में ये छोटी छोटी कर भी लेते हैं, कुछ लाना है, कुछ रखना है, कुछ निकालना है, कुछ फ्रिज में रखना है, तो ये सारी चीज़ें मैं भी करवा लेती हूँ और ये बहुत ही हंसी खुशी कर भी लेते हैं। तो यहाँ पे जैम लगा लिया अभी, जो है जैम नहीं सॉरी सॉस लगाया है बिस्किट के ऊपर, उसके ऊपर स्लाइस लगा रहे हैं चीज़ स्लाइस, उसके ऊपर वो ऑनियन टोमेटो कुकुम्बर ये सब का टॉपिंग कर रहे हैं। तो बनाया जितने अच्छे से वो खाए भी उतने अच्छे से मन से हैं। मुझे लगता है यदि मैं बना के देती तो वो नहीं खाते कि मम्मी ये अच्छा नहीं लग रहा, बट उनने खुद से बनाया था तो खूब मज़े से वो खाए भी थे लास्ट में। तो ये उनका चीज़ स्लाइस लग गया है, अब इसके ऊपर ये अनियन लगाएंगे। और कुकुम्बर लाना था शायद, तो कुकुम्बर मैंने कट नहीं किया था, तो मैं गई कुकुम्बर कट करने के लिए किचन में, तब तक वो अनियन और टोमेटो जो थे वो टॉपिंग कर रहे थे। तो बहुत सुंदर से वो बनाए भी थे और देखने में भी बहुत क्यूट से लग रहे थे, और खाने में पता नहीं उन्होंने ही खाया था तो मुझे भी पता है। अब वो मीठी वाली बना रहे हैं, नमकीन टॉपिंग तो हो गई मतलब सॉल्टी, अब वो स्वीट टी बना रहे हैं। तो यहाँ पे वो जैम लगा रहे हैं उसके लिए बिस्किट के ऊपर, और जैम के ऊपर वो जेम्स लगाएंगे, जेम्स जो चॉकलेट होती है ना छोटी वाली वो लगाएंगे। तो वही मैं उनकी हेल्प करा रही थी, वाश बेसिन को स्प्रेड नहीं कर पा रही थी तो मैंने जैम को स्प्रेड कर दिया, उसको कुछ ज़्यादा ही लगा दिया था तो मैंने उसको थोड़ा कम कर दिया। तो बस यही सबसे फ्रेंड्स, अभी 10-12 दिन से इनके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तब से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी क्योंकि पूरे 2-2.5 घंटे इनके साथ ही बैठना होता था, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं पाते थे मैम जो बोलती थी वो, या फिर दोनों कन्फ्यूज हो जाते थे कौन सा बुक पेज नंबर निकालना है, कौन सा वर्ड लिखना है, कैसे लिखना है। और अभी अभी ये फर्स्ट क्लास में गए थे, मतलब क्लास तो अभी नहीं गए हैं, जैसे
स्कूल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो फर्स्ट क्लास में है और इनका अब यहाँ आंसू का बन गया है, वो मैम को दिखा रहा था, मैम ने वेरी गुड बोला इनको, तो ये हैप्पी हो रहे थे। फिर आंसू जल्दी लगी थी, मम्मा मेरा भी जल्दी कर दो मैम को, मुझे दिखाना है क्लास ख़त्म ना हो जाए। तो फिर मैंने उसको स्प्रेड किया इस तरह से, तो काफ़ी बच्चे खुश थे क्योंकि तो उनका 2-2.5 घंटा ना स्पेंड हो जाता था, बट आज तो क्लास लास्ट है, आज के बाद फिर पता नहीं वे लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे उनका बिस्किट टॉपिंग तो ख़त्म हो गया, अब ये फन एक्टिविटीज़ चल रहे थे जिसमें इनको पेंसिल बनाने थे, तो पेपर स्टिक तो कर सकते हैं बट वो कट नहीं कर सकते थे उस शेप का, तो फिर मैंने कट करके रखा था और फिर मैम थोड़ा सा फास्ट बता रही थी तो ये जल्दी नहीं कर पा रहे थे, सारे बच्चे बना बना के दिखा रहे थे तो मैं इनको बता रही थी और थोड़ा बहुत हेल्प भी कर रही थी, फिर ये कर रहे थे। तो यहाँ पे इनका ये पेंसिल बन रहा है, लास्ट में ये आपको भी दिखाने वाले, तो देखते रहिए इस वीडियो को। और एक बात फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक करें और खूब से ज़्यादा खूब शेयर करें ताकि ये चैनल थोड़ा ग्रो हो पाए। मुझे पता है कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाती हूँ, बट आप लोग अपना सपोर्ट प्यार दिखाओगे तो मैं ज़रूर मेहनत इसमें करने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। तो यहाँ पे आशुंशु के पेंसिल्स भी बन गए हैं और ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब आशु लैपटॉप शट डाउन कर रही है, देखो आशु बहुत स्मार्ट हो गई है, लैपटॉप चलाना सीख गई आशु तो, है ना। और कैसा मज़ा आया आज आपके क्लास में? बहुत मज़ा आया। अंशु ने क्या क्या बनाया अंशु, आशु ने देखो, देखो, मैं हाँ दिखा दिखा दिखा। और बिस्किट टॉपिंग, अंशु शो योर पेंसिल, ये मेरा है, दिखाओ आशु। वाह मैम ने कितना अच्छा चीज़ बनवाया ना। और क्या बनाया? वाह चीज़ स्लाइस, तो मैंने खा लिया एक, खा लिया हाँ, एक मैम ने खा लिया। और ये बिस्किट टॉपिंग आपके फ्रेंड्स ने सीखा कि नहीं सीखा पूछो, गिर जाएगा। फ्रेंड्स आपने बिस्किट टॉपिंग और पेंसिल बनाना सीखा कि नहीं सीखा? अपने घर में बनाना, अपने घर में बनाना, हम लोग तो बनाएंगे पेंसिल। हाँ आशु सीख गई। और ये अभी कौन खाएगा? चलो बाय बाय।